अभी हमारा मंकी ना ऊपर जाके ना लपेट लिया है और उसी में जाके ना फंस गया है। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। तो अभी हमारा मंकी है ना ऊपर में जाके ना वो फंस गया है। उसको ना हम लोग नीचे में बांध रखे थे और पता नहीं कैसे यहाँ से ना ऊपर की तरफ जाके और बिल्कुल ऊपर में ना लपेट लिया है और चिल्लाया जा रहा है। तो अभी हम उसको ना खोल देते हैं। उसके लिए ना मुझे सीढ़ी लेकर आना होगा, सीढ़ी ला के लगा के और फिर ऊपर चढ़ना होगा। तो अभी मैं सीढ़ी लेके जा रहा हूँ और मंकी को ना उधर लगा के ना उतारना होगा। पूरा सीकर लपेट लिया है तो अभी मैं इसके ऊपर लगा देता हूँ सीढ़ी। चलो 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 चलो, ये 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 कहाँ फंस गया। तो इसके ऊपर सीढ़ी लगा के और अभी चढ़ना होगा। तो चढ़ कर ना हम लोग इसको उतारेंगे। वो बहुत ऊपर में है। चढ़ जाओ। देख रहे आम का ना लकड़ी भी ना बहुत कच्चा होता है। और ये आम का गाछ है और ये जाके ऊपर में फंसा हुआ है। और ऊपर चढ़ना होगा इस पे लात धर के। या अभी इधर मैं आके ना ये देख रहे हैं कैसा फंसा हुआ है। और ऊपर मुझे चढ़ना होगा। और मुंह उसका ना पूरा लाल सा हो गया, पूरा लाल लाल मुंह हो गया है। और देख रहे हैं कैसे चिल्लाया जा रहा है। तुम्हें कौन कहा था ऊपर आने के लिए हाँ। तो चलो तुम्हें खोल देते हैं। सीकर कैसे कैसे छोड़ो, इसको छोड़ो, पकड़ रखा है बिल्कुल। उधर जान दे, छोड़ ये वाला ना जाल में फंसा हुआ है। छोड़ मंकी। अरे तो उल्टा लपेटा आ गया, कैसे लपेट लिया यार इसको। हाँ निकल गया, आ गया। तो अभी आ गया है हमारे सर के ऊपर। अभी भी पूरा ना निकला नहीं है, इधर फंसा हुआ है। तो अभी आ चुका है हमारे सर के ऊपर। क्यों चढ़े हो? और देख लें नीचे से हम लोग कितना ऊपर चढ़े हुए हैं। ऊपर चढ़ के ना इसको हम लोग उतारे हैं। और बहुत पतला पतला डाल है, अगर इस पर अगर कुछ भी पकड़ेंगे ना सट से बाद नीचे चले जाएंगे। डाल बहुत आम का ना कच्चा होता है, टूट जाता है बहुत जल्दी में। तो चलिए अब नीचे लेकर हम इसको चलते हैं। तो अभी हम लोग लेकर आ गए अपने मंकी को नीचे। और कितना डरा हुआ है और पूरा बाल पकड़ रखा है, देख रहे हैं। ए मंकी, अभी जाओगे ऊपर? अब ना ये जाने का ना किसी गाछ पे ना नाम नहीं लेगा। फट से बार किसी भी गाछ पे चढ़ जाता था ना, अभी ये ना जाने का नाम नहीं लेगा क्योंकि बहुत डरा हुआ है, बिल्कुल जाके ना सिकर लपेट लिया था। तो अभी हम लोग चलते हैं अपने परिंदों के पास। तो अभी हम लोग आ चुके हैं अपने परिंदों के पास। देख सकते हैं हम लोग कितना सेफ्टी से ना इसको बंद करके रखे थे और कितना सेफ्टी में है। हम अपने परिंदों को ना कुछ ना हो जाए इसलिए इतना सेफ्टी में रखे। और हमारा जो बीमार था वो अभी देखते हैं कैसा है, क्योंकि वो तो कल बिल्कुल ठीक ठाक था। अभी चलो निकालते हैं इसको, धूप भी हल्का निकल गया है तो इन सबको परिंदों को बाहर निकालते हैं। तो बोरी हटा देते हैं इधर से। ये देख रहे हैं कितना दाब के हम लोग रखे। अरे यार ये क्या हो गया। अरे यार तो मर गया, कल तक तो ये ठीक था, देख रहे हैं ये तो मर गया। मुझे लगता है ना इसके अंदर डाल दिया ना, इस वजह से इन लोगों ने ना दाब के मार दिया। कल तो ये बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल खा पी रहा था। हमारे परिंदों को क्या हो गया, ठंडा लग गया लग रहा है बिल्कुल। इसका शरीर भी ठंडा ठंडा, इतना सेफ्टी के बाद भी ये मर गया। अब हमारा एक मैदिन कम हो गई। अब मेरे को ना फिर एक परिंदा लेकर आना होगा। कितना मैंने इसको दवाई ववाई दिया था, कितना सेफ्टी से रखा था और अभी मुझे बहुत अफसोस सा हो रहा है। बाकी हम अपने परिंदों को इसको ले जाके हम लोग को ना दफनाना होगा। बाकी परिंदों को हम लोग ले जाके बाहर रख देते हैं। अभी फिलहाल मैं इसको ना इस साइड में रख देता हूँ और बाकी परिंदे हमारे ठीक ठाक है ना,
ये दोनों तो ठीक ठाक है, और इसमें क्या है इसको हटा के देखते हैं। तो ये भी हमारे परिंदे ठीक हैं, तो इनको ले चलते हैं बाहर की तरफ में। ये इसको हटा दो, इसको हटा दो, चलो 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 चलो। तो हमारे जो बचे हुए परिंदे थे उनको मैंने बाहर निकाल दिया, और ये भी ठीक ठाक है हमारा कला वाला भी। अगर इन लोग का घर बन जाता ना तो हमारा कबूतर मरता नहीं। यहाँ पे ना गांव में ना बहुत ज़्यादा लापरवाही करता है लोग। मैंने कितने दिनों से दे रखा था जंगला और गेट बनाने को, तो कितना दिन बाद गेट मिला है, और दूसरे मिस्त्री को बोले थे वो भी 2 दिन हो गया अभी तक दिए नहीं। अगर वो ठीक से अगर मिल जाता ना हमें टाइम से, तो हमारा गेट और जंगला लग जाता तो हमारा कबूतर बच जाता। अभी वो मर गया, उसको हम लोग को दफनाने ले जाना होगा। और अभी ये इनको पहले मैं दाना दे देता हूँ, क्योंकि ये भी देख रहे हैं इसमें तो दाना है, इनके लिए पानी और दाना दे देते हैं। इसमें पानी दे दिए हैं, और इसमें तो थोड़ा पानी है, इसको इसी में भर देते हैं। तो जब तक हमारे कबूतर ना खा रहे हैं, जब तक मैं ले चलता हूँ उसको दफना देता हूँ, कहीं दूर ले जाना होगा। अभी तो छोटे को पता चलेगा ना, वो बहुत दुखी होगा, क्योंकि उसने बोला था बहुत सेफ्टी से रखना, और छोटे तो अभी बाहर चला गया है ना, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हो रहा है। तो मैं अभी इसको अंदर रखाऊँ ना, तो इसको लेके चलते हैं, इसको इधर से ना उठा लेते हैं और लेके चलते हैं। तो अभी हम लोग लेके जा रहे हैं इसको, इधर कहीं गड्ढा में दफनाएंगे। हम लोग खोद लिए हैं, इसी में इसको दफना देंगे। तो अभी अपने परिंदों को ना हम लोग दफना दिए हैं। बहुत मेरा मन आज दुखी दुखी सा हो रहा है। एक हमारा बहुत प्यारा परिंदा था, कितना बढ़िया ना पीछे का पंख ऐसा फैला के और घूमता रहता था, मुझे बहुत सुंदर लगता था। मशक कली कबूतरी थी वो, आज हमें छोड़कर चली गई। तो अभी हमने उसको दफना दिया, अब चलते हैं अपने परिंदों के पास। तो इधर मिल गया हम लोग को हरा हरा घास, जो कि हम लोग अपने रेबिट के लिए ले लेते हैं। बहुत ही ये वाला घास ना जिसको धूप कहते हैं, ये बहुत प्यार से खाता है हमारा रेबिट। देख रहे हैं कितना हरा हरा है। तो इतने से घास में ना उसका पेट भर जाएगा। रेबिट लोग ना ज़्यादा तो खाता नहीं है, इतने में ना उसका पेट भर जाएगा। तो चलते हैं अपने इसको रेबिट को भी दे देंगे हम लोग। रेबिट ना इधर में छुपा हुआ है, आ जाओ ले लो ले लो ले लो। तो इसको हम दे देते हैं, इधर में खाता रहे। और हमारे जितने चूजे ना सभी देख रहे हैं दौड़ कर चले आए, लगता है मैं कुछ लेके आया हूँ। पर मेरा आज बहुत मन दुखी है, इनके लिए ना इतना दाना दिया हुआ है, ये लोग घूम घूम के खाता रहता है लोग। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, अभी के लिए अलविदा, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय दोस्तों।